सिरिपोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ, मैं अनामिका। कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट की बात करें तो वहां पर शुक्रवार की शाम मेल भेज करके टेक ऑफ को तैयार विमान को बम से उड़ाने की धमकी देने के मामले के तार बिहार के बक्सर से जुड़ रहे हैं। जी हां, इस मेल से संबंधित आईपी की छानबीन के बाद शुक्रवार को बक्सर के सिमरी थाना क्षेत्र के आशा पडरी गाँव के 16 वर्षीय किशोर को हिरासत में लिया गया है। किशोर जो है वो गांव में साइबर कैफे चलाता है। कोलकाता से एयरपोर्ट अथॉरिटी की टीम केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के अधिकारियों के साथ छानबीन के लिए बक्सर पहुंच रही है। जी आप बता दें कि कोलकाता से चलकर के बेंगलुरु जाने के लिए गो एयर का विमान रनवे पर खड़ा था, तभी एयरपोर्ट अथॉरिटी को मेल मिला जिसमें विमान में बम रखने की सूचना के साथ धमकी दी गई थी कि जैसे ही विमान उड़ेगा बम ब्लास्ट हो जाएगा। इस सूचना से एयरपोर्ट पर हड़कंप मच गया। आनन फानन में यात्रियों को उतार करके तलाशी ली गई। हालांकि 2.5 घंटे की जांच के बाद जब कुछ नहीं मिला तब विमान को रवाना कर दिया गया। मेल आईडी का लोकेशन बक्सर के सिमरी में मिलते ही एयरपोर्ट अथॉरिटी द्वारा सिमरी थानाध्यक्ष को नाम, पता और मोबाइल नंबर भेजा गया। पुलिस सक्रिय हो गई, यानी कि एक्टिव हो गई, और थानाध्यक्ष सुनील कुमार निर्झर ने पता को ट्रेस करते हुए साइबर कैफे संचालक किशोर को हिरासत में ले लिया है। किशोर के मेल आईडी से धमकी भेजी गई थी, यानी कि ये जो खबर है वो सच है। पुलिस अधीक्षक नीरज कुमार सिंह ने बताया कि साइबर कैफे संचालक को ट्रैप कर उठाने के साथ ही कोलकाता एयरपोर्ट अथॉरिटी को इसकी सूचना भेज दी गई है। वहां से सीआईएसएफ की टीम जांच और पूछताछ के लिए बक्सर आ रही है। खराब मौसम होने के कारण शुक्रवार की देर शाम तक टीम बक्सर नहीं पहुंची थी। पकड़े गए किशोर के पिता किसान हैं और पारिवारिक स्थिति को देख पुलिस का अनुमान है कि संभवतः किशोर को मेल आईडी का किसी ने दुरुपयोग किया है। उसका एक मोबाइल भी कुछ दिन पहले चोरी हुआ था, जिसका कि अभी भी कहीं ना कहीं उसकी भी खोज पड़ताल जो है वो चल रही है। तो ये पूरा का पूरा मामला जो है अभी तरीके से पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं हुआ है, लेकिन इसके तार कई जगह से जुड़ते हुए दिख रहे हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। नामे को खुद दीजिए इजाजत। नमस्कार।